ऐसे ही कॉल आएगा डिनर जाने के पहले, एकदम एंजॉय कर रहे हैं। गार्लिक फ्राइड राइस बचता है तो उसको रखने के लिए, तो ये सो वी आर ऑल सेट टू गो फॉर द डिनर। और बस मुकेश भाई आ रहे हैं हमें पिक करने, तो बस जैसे ही कॉल आएगा हम लोग सीधा नीचे जाएंगे और क्या? खाने के लिए भी तैयार और पेरेंट्स से मिलने के लिए भी तैयार। देखते हैं क्या क्या मंगाना है वहाँ पे। चलो आई एम वेरी एक्साइटेड। चलो तो हम लोग डिनर जाने के पहले आ गए थे कॉस्को में मॉम डैड को थोड़ा घुमाने, और ये पापा हैं और मम्मी बिट्टू यहाँ घूम रहे हैं कॉस्को में। सोचा इनको दुकान दिखा दे, कितना बड़ा दुकान स्टॉल होता है यहाँ पे स्टोर्स। तो डैड को बहुत अच्छा लग रहा है देख के, तो बस यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, कुछ सामान लेते हैं, फिर जाएंगे डिनर करने। हम लोग आ गए हैं क्लेवन रेस्टोरेंट। हाँ, 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 मॉम डैड एंजॉय कर रहे हैं, अभी स्टार्टर आया है, अभी खाने का वेट कर रहे हैं। भाई हमने ऑर्डर किया है रोटी, राइस, फिर मलाई कोफ्ता, साग पनीर, दाल, और फिर रोटी वहाँ पे भी। और डैड एकदम एंजॉय कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अनदर डे। टाइम हो रहा है 6:30, चलते हैं अभी बाहर थोड़ा रनिंग करने, यहाँ से चलेंगे और फिर घूमते हुए आएंगे। सुबह सुबह वॉक करने बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत हल्की हल्की धूप आती है और लोग भी वॉक करते रहते हैं, तो बहुत मज़ा आता है उनके साथ वॉक करने में। तो यार आज का दिन तो बहुत ही पैक है, अभी वॉक करने के बाद जाना है, थोड़ा काम करना है 1 घंटे, 8 से 10 थोड़ा नहाना वहाना, टाइम पास, ब्रेकफास्ट वगैरह, 10 से 4 फुल काम करना है आज विदाउट एनी ब्रेक्स। आपने तो ये रास्ता देखा ही होगा पहले वीडियो में, अगर आप देखोगे तो आपको ये पूरा हमने एक वॉक किया था उसमें ये कवर्ड किया था ये ट्रेल्स। भाई बच गए हैं 9:30, मैं आ गया था रनिंग वॉकिंग करके और अब नाश्ते पानी की तैयारी हो रही है। तो पूजा मैडम जी क्या बन रहा है? I'm making strawberry milkshake. अच्छा milkshake. No, no, not strawberry milkshake, strawberry smoothie. Yeah. Strawberry smoothie, okay. Yeah. By the way, मैं पूजा को बिट्टू बोलता हूँ, बिट्टू उनका घर का नाम है, तो बिट्टू स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक बन रहा है। ओके ठीक है, उसके बाद और मिल्कशेक के साथ में और खाने के लिए We have oats. तो टाइम हो रहा है 10:03, अब काम चालू करते हैं, 4 बजे तक एकदम अच्छे से काम करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने रूटीन को फॉलो करना, आज कुछ मीटिंग्स भी हैं वो भी करनी है। मैं 2 पानी की बॉटल्स लेकर आता हूँ, 2 बाद में बिट्टू लेकर आती है। She's going to bring any food. All set. तो चलो काम पे लगते हैं। हाँ तो भाई टाइम हो गए हैं 4:27, और इसका मतलब ये है कि मेरा काम यहाँ पर सारा इम्पोर्टेंट वाला हो जाता है ख़त्म। लेकिन अभी बिट्टू का मतलब यानी कि पूजा जी का अभी भी काम बाकी ही है। तो तुम्हारा काम कब ख़त्म होगा? I will take one more hour. 1 घंटे में? तो अब 1 घंटे क्या करना है यार, तो 1 घंटे कुछ और काम कर लेते हैं। फिर कल का प्लान ऐसा है कि कल हम जाने वाले हैं न्यूयॉर्क, छोटा सा ट्रिप है 4 दिन का ही, लेकिन 2-3 जगह पर जाना है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और रोड ट्रिप है तो मजा आने वाला है बहुत। तो हम लोग आ गए हैं घर पे और बन रही है चाय, ऐसी आदत जो पड़ी है क्या कर सकते हैं, तो चाय पीना है अब, उसके बाद थोड़ा टीवी देखेंगे। चाय विद पार्ले जी, डोंट फॉरगेट, वी गॉट द न्यू पैकेट ऑफ पार्ले जी। चाय और पार्ले जी जो हमारी मुंबई की यादें हैं, वो हम हमेशा हर शाम को ताजा कर लेते हैं अपनी चाय और पार्ले जी खाकर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन।
तो आज एक नया दिन है, सुबह के 7:12 को आज न्यूयॉर्क के लिए निकलना है। तो 3 बजे तक भाई आने वाले हैं हमको पिक करने के लिए पेरेंट्स के साथ में, और फिर हम लोग न्यूयॉर्क के लिए निकल जाएंगे। थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं, कॉल्स और मीटिंग्स कर लेता हूँ। मोस्टली मेरे दिन की शुरुआत इसी तरीके से होती है। सो दिस इज ब्रेकफास्ट टाइम और ये है पैनकेक का बैटर। तो इसको मैंने रागी और बनाना से बनाया है और साथ में यूज करेंगे थोड़ा बटर। So this is what it is today for breakfast, pancakes with some maple syrup and butter with bananas. I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. तो 12:30 बज रहे हैं और लंच में हम खा रहे हैं गार्लिक फ्राइड राइस विद एग, और शेजवान तो बहुत ही अच्छा लगता है इसके साथ, और साथ में वी आर वॉचिंग समथिंग ऑन यूट्यूब। तो टाइम हो रहा है 12:59 और हमको निकलने के लिए 2 घंटे हैं। तो मैंने सामान पैक कर लिया है, पैक क्या मतलब तैयार कर लिया है, अभी कुछ पैंट्स, फिर 3-4 टी शर्ट्स, शॉर्ट्स, 2 कैप्स हैं, फिर लैपटॉप, एयरपॉड, फ़ोन, चार्जर, तो ये सारा हो गया। चलते हैं ज़रा बिट्टू के पास और देखते हैं उन्होंने क्या पैक किया। तो क्या क्या पैक कर रही हो? आई एम टेकिंग लाइक 4 सेट ऑफ क्लॉथ्स क्योंकि मैं वहाँ पे 4 दिन रहूँगी। हाँ, तो बाकी ले लिया है मैंने, और ये डब्बे में ज्वेलरी ले ली है थोड़ी, और बस हो गया, 4 सेट कपड़े लिए हैं। ठीक है। और तो कार से जाना है, स्पेस कम है, तो थोड़ा संभाल के पैक करना। हाँ, तो इसके लिए मेरा बैग भी तो बहुत छोटा है ना। सी, अच्छा, इसमें मेरा सामान नहीं आएगा? आई थिंक ये सेक्शन में थोड़ा जगह है तो आ जाएगा। तो पहले बात हुई थी कि एक ही बैग लेके जाना है, लेकिन जब मैं देख रहा हूँ कि पहला वाला बैग ही पूरा फुल हो गया खाली बिट्टू जी के सामान से, तो मेरे को अभी दूसरा बैग लेके जाना पड़ रहा है। ये मैंने छोटा बैग लिया है। ठीक है, तो पैकिंग तो हमारी बस हो गई अब। उसके हमको जाना है एक्चुअली डॉलर स्टोर, कुछ कप्स लेने हैं, तो चलते हैं डॉलर स्टोर फिर। Have you taken key? बहुत ही अच्छी धूप है यार, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। हम लोग आ गए हैं डॉलर स्टोर और यहीं पे दिख गया यार, यही हम देखना चाहते थे, तो यहीं पड़ा हुआ है। फोम कप्स, आई थिंक ये वाले अच्छे हैं, छोटे छोटे चाय के लिए, राइट? वाले मेरे को बहुत अच्छे, ज्यादा अच्छे लगे। इस पे लिखा है ना, दिस इज ग्रेट फॉर हॉट एंड कोल्ड बोथ, सो हॉट, हमारा तो हॉट चाय हॉट होती है। हां, तो ये वाला बेटर है। ठीक है, तो ये वाला फाइनल करें। हाँ, तब तक मैं एक और ढूंढती हूँ, तब तक आप लोग थोड़ा सा स्टोर देख लो। चलो ठीक है, आपको स्टोर दिखाता हूँ। तो ये सारे गिफ्ट कार्ड के सेक्शन हैं, बहुत ही आई थिंक $50 देखो यहाँ पे लिखा, $50 $1 और $2 में आपको मिलेंगी सारी कार्ड्स। और फिर यहाँ पे बहुत सारे टॉयज हैं, चीज़ें हैं बहुत सारी, मोस्टली एट मैक्स $5 में, जो कि इंडिया के हिसाब से अगर आप देखो तो होता है 70 × 5 350-400 के मैक्स, उतने में सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। कुछ चीज़ें बहुत ही सस्ती मिल जाती हैं, जैसे गेम्स वगैरह है, तो नोटबुक्स हैं यहाँ पर, $1 का है ये, कलरिंग बुक्स हैं बच्चों की। तो हम लोग जब भी यहाँ पे आते थोड़ा सा एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्योंकि इनका हर अभी स्प्रिंग सीजन चल रहा है, तो कुछ इन्होंने चेंज करते हैं ये लोग। देखो यहाँ पे कलर्स वगैरह पड़ी हैं, ये $2.15 की हैं। और देखो यहाँ पे प्लास्टिक बैग्स हैं, कचरे के टॉवेल्स वगैरह, फिर ये रूम फ्रेशनर, ये प्लास्टिक के, हाँ, सब ऑर्गेनाइजिंग के लिए हैं, बहुत सारे कप्स, सेंट्स, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स है, वो काफ़ी सस्ता मिलता है, और मैं तो यहाँ से ही ले लेती हूँ, और सेम ब्रांड होता है, लाइक ये वाला ब्रांड काफ़ी अच्छा है बर्तनों के लिए, तो आई बाई इट फ्रॉम हियर, और क्लीनिंग के लिए, मॉपिंग के लिए, सब कुछ मिलता है। लाइक ये वाला नाइफ ले लो, ली थी ना $1 की, या दिस इज जस्ट फॉर $1। उसके बाद ये लैडल, दिस इज आल्सो फॉर $1। तो ये जो सीजर है, $1 मतलब करीब 70-75 रुपीस,
₹75 के हिसाब का हिसाब कर लो। ये क्लिप्स होते हैं जो कुछ भी लेफ्ट ओवर बचता है तो उसको रखने के लिए, तो ये वाले क्लिप्स भी $1 के हैं, 6। सो दिस इज सो वर्थ इट। ऑलराइट, चलो एक दिन रियल में वीडियो बनाएंगे हम, यहाँ का पूरा कंप्लीट टूर देंगे। अभी चलते हैं घर पे क्योंकि हमको हो जाएगा लेट। तो यहाँ पे कार्ड की ज़रूरत नहीं है, लाइक यू कैन पे यूजिंग योर सेल फोन, तो एप्पल पे से पे हो जाता है, यू डोंट नीड योर कार्ड, दैट इज़ ग्रेट। हाय गाइस, तो द टाइम इज़ 4:00 नाउ और हम बिल्कुल रेडी हैं न्यूयॉर्क जाने के लिए। तो यहाँ पे एक खाने का बैग रेडी है, एक सूटकेस है, विकी का 2 बैग है और सामान थोड़ा हो जाता है यार, लाइक ठीक है। तो अभी मुकेश भाई आ रहे हैं और हम नीचे जाने वाले हैं और फिर हम निकलेंगे न्यूयॉर्क के लिए। तो ये हमारी पहली ट्रिप है और पेरेंट्स के साथ भी US में पहली ट्रिप है, तो बहुत मज़ा आने वाला है आई एम श्योर। और ठीक है, तो चलो जॉइन अस टू दिस एडवेंचरस ट्रिप। भाई का मैसेज आया था 5 मिनट पहुंच जाएंगे और टाइम हो रहा 4:10। Yeah, we should wait here. अभी घूमने जाओगे तो चीजें तो चाहिए।